श्री मुक्सर साहब के कोटकपुरा रोड बाईपास पर स्थित TMH होटल के पास एक सड़क हादसे में अपने किसी रिश्तेदार के भोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। बुधवार को सुबह हादसे में एक महिला व क्लूजनर चालक सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे सहित सात लोग गंभीर जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल मुक्सर में ले जाए गए सभी पांच जख्मियों को फरीदकोट रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार क्रूजर गाड़ी नंबर PB30G9572 में सवार होकर गांव उदकरण से एक ही परिवार के संबंधित सदस्य गाड़ी चालक राणा सहित 11 लोग गांव खुडिया में अपने किसी रिश्तेदार के भोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कोटकपुरा बाईपास में उक्त गाड़ी TMH होटल के पास जन कार को ओवरटेक करने के चक्कर में रोडवेज की बस के साथ जा टकराई, लेकिन काफ़ी समय के बावजूद सरकारी गाड़ी वहां नहीं पहुंची। अमृतपाल सिंह है जी, मैं मक्तार सिंह जिन्हां दी डैथ होई एक्सीडेंट दे विच, उन्हां दा लड़का जी नाल मेरे चाचा जी सी बखतौर सिंह ते मेरी दादी सुरजीत कौर सीगी। ये 7-8 जने ही फुफड़ दी डैथ हो गई सी, संस्कार ते चले सीगे। सारे इक्को परिवार दे सी, प्रशासन तों मंग करदे साडी वध तों वध मदद कीती जावे। खुडिया जा रहे पिंड लंबी ब्लाक च जी, संस्कार से मेरे फुफड़ की डैथ हो गई थी, उत्थे संस्कार से जा रहे थे। परिवार च चार पांच जने जख्मी हैं जी, जिस मेरी चाची है, दो चाची ने, एक एक चाचा, एक उन्होंने लड़का छोटा है 10 साल का जी की उम्र। मेरे एक चाचा जी जो बखतौर सिंह नाल ही बैठे थे ड्राइवर सीट तो, उन्होंने डैथ हो गई उन्होंने भी नाल ही। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਦੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹੀ ਸਹਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 10:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਆ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਬੱਸ ਆ, PB30H9948 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਆ। ਇਹ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਰਾਣਾ। ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ PB30H9972 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਕਰੀਬਨ 3 ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਦੇਖ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਡੱਲਾ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਮੁਕਤਸਰ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ TV।